खासदार औद्योगिक महोत्सव एडवांटेज विदर्भ के जिनके संकल्पना से इसकी शुरुआत हुई वो हम सभी के लाडले नेता विकास पुरुष माननीय श्री नितिन गडकरी जी। आज के इस एडवांटेज विदर्भ के उद्घाटक भारत सरकार के एमएसएमई मंत्री आदरणीय नारायण राणे जी, हमारे विदर्भ की बुलंद आवाज और मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी माननीय सुधीर भाऊ मुनघंटीवार जी, श्री प्रफुल्ल पटेल जी, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे जी, कृपाल तुमाने जी, अनिल बोंडे जी, अशोक नेते जी, अजय भाऊ संचेती जी, डॉक्टर भीमराव मैत्री जी, आशीष जयसवाल जी, मोहन मते जी, अभिजीत चौधरी, डॉक्टर विपिन इटनकर, श्री प्रमोद पडोळे, श्री सुभाष चौधरी, श्री आशीष काळे, डॉक्टर विजय शर्मा, अतुल गोयल, मंचासीन, सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले श्री आशीष काळे जी को और विशेष रूप से हमारे नेता नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एडवांटेज विदर्भ का आयोजन किया और विदर्भ के उद्योग के ऊपर एक फोकस तैयार हो और यहां पर हम इन्वेस्टमेंट को आकृष्ट कर पाए। इस दृष्टि से ये जो एडवांटेज विदर्भ है ये निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज हम सभी लोग देख रहे कि धीरे धीरे विदर्भ की परिस्थिति बदल रही है। आज विदर्भ में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, इन्वेस्टमेंट का क्षेत्र हो, एक परिवर्तन हम सभी को नजर आता है। नितिन जी ने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विदर्भ में बहुत बड़े पैमाने पर काम हुआ है। विशेष रूप से नितिन जी के कारण विदर्भ में जो रोड्स का नेटवर्क है वो बहुत अच्छा तैयार हुआ है और समृद्धि महामार्ग के कारण मैं ऐसा मानता हूं कि एक इतनी बड़ी इकोसिस्टम आज विदर्भ में हमने तैयार की है कि आने वाले दिनों में नागपुर और हमारा जो वर्धा है ये जब एक लॉजिस्टिक हब के रूप में हम लोग डेवलप करेंगे और ड्राई पोर्ट के माध्यम से जब हम लोग ये सारी आवाजाही शुरू करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इस रूप में इसको देखा जाएगा। और विशेष रूप से जो हमारी एक सप्लाई चेन है उस सप्लाई चेन में विदर्भ का एक अपना हिस्सा बहुत बड़े पैमाने पर तैयार होगा। और जैसा कि पिछले बजट में मैंने घोषित किया था, हम एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक क्लस्टर ये नागपुर में शुरू करने वाले हैं। जगह भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई की है और जल्दी ही उसका काम हम लोग करेंगे जिससे लॉजिस्टिक कैपिटल के रूप में हम लोग नागपुर को विशेष रूप से डेवलप कर पाएंगे। आज जिस प्रकार से समृद्धि हाईवे हमने तैयार किया, अब समृद्धि हाईवे को हम लोग गढ़चिरौली भी ले जा रहे हैं, समृद्धि को हम गोंदिया भी ले जा रहे हैं, तो भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, ये सारा जो हमारा इलाका है इसको एक प्रकार से मुंबई के साथ हाई स्पीड में जोड़ने का काम आने वाले दिनों में हम लोग करेंगे। और साथ साथ हम लोग शक्तिपीठ महामार्ग भी बना रहे हैं कि जो नागपुर से लेकर गोवा तक ये महामार्ग बनेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि नागपुर से गोवा हम लोग 8 घंटे में जा पाएंगे, इतना अच्छा मार्ग हम लोग तैयार कर रहे हैं। और इसमें जो हमारा रिलीजियस टूरिज्म है उसके जितने महाराष्ट्र के प्रमुख सेंटर है इन सब सेंटर्स को इसके माध्यम से हम लोग जोड़ेंगे तो एक टूरिज्म की नई इकोसिस्टम और टुवर्ड्स साउथ साइड हमारी कनेक्टिविटी ये भी बहुत बड़े पैमाने पर इसके माध्यम से बढ़ने वाली है। आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हमारे नागपुर का नया एयरपोर्ट हमको तैयार करना है। मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले फरवरी महीने में उसकी जो कोर्ट की केस है उसमें हम लोग शायद सक्सेस होंगे और उसका भी काम हम लोग शुरू करेंगे और वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट हम लोग नागपुर में तैयार करेंगे। अमरावती का जो एयरपोर्ट है उसका काम हमने शुरू कर दिया है, वहां पर हमने नया रनवे तैयार कर दिया है। और ये फिर एक बार
एक ऐसा एयरपोर्ट बनेगा कि जहां नाइट लैंडिंग फैसिलिटी कर रहे हैं, तो नाइट लैंडिंग के कारण अमरावती में भी एक उसका फायदा बहुत बड़े पैमाने पर होगा। अकोला का एयरपोर्ट भी अब हम उसका रनवे भी बड़ा कर रहे हैं और वहां पर भी नई फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि अभी हम लोगों ने गढ़चिरौली में भी एयरपोर्ट तैयार करने का निर्णय ले लिया है, उसकी जगह आइडेंटिफाई कर ली है, उसका ओएलएस सर्वे कर लिया है और ओएलएस सर्वे में उसकी फिजिबिलिटी भी एस्टेब्लिश हो गई है। तो जल्दी ही गढ़चिरौली में हम लोग जो जमीन है उसको एक्वायर करेंगे और 4 किलोमीटर स्ट्रेट हाईवे के पास इस प्रकार की जगह हम लोगों ने आइडेंटिफाई की है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही सक्षम इस प्रकार का ये एयरपोर्ट हम लोग गढ़चिरौली में भी तैयार करेंगे। हमारे सुधीर भाऊ चंद्रपुर में भी नया एयरपोर्ट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जगह के प्रॉब्लम है पर उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कुल मिलाकर एयर कनेक्टिविटी जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ शुरू होगी। इसके साथ साथ जैसे गडकरी जी ने कहा कि हम लोगों ने ड्राईपोर्ट तैयार किया है, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करके हम लोगों ने एक अनुसंधान शुरू किया है। एक प्रेजेंटेशन मेरे सामने हुआ कि जिस प्रेजेंटेशन में एक ऐसा वाटरवे हम तैयार करेंगे कि जो वाटरवे चिमूर और चामोर्ची से सीधा तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश के पोर्ट तक जाएगा और इसकी प्री फिजिबिलिटी हमने कर ली है और अभी इसका एक हम लोग रिपोर्ट तैयार करेंगे और जो एग्जिस्टिंग वाटरवे है उसी को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इसके कारण आज जो हमने इतने बड़े पैमाने पर स्टील का निर्माण शुरू किया है या अलग अलग प्रकार से हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग यहां तैयार कर रहे हैं, तो एक तो जीएनपीटी पोर्ट को हम यूज करेंगे लेकिन साथ साथ ये वाटरवे जो नागपुर से 100 किलोमीटर दूर में एक प्रकार से हम लोग समुद्र नागपुर से 100 किलोमीटर दूर ला रहे हैं, इस प्रकार का ये वाटरवे इसका एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट अभी तैयार हुआ है और मैं ऐसा मानता हूं अगले 6 महीनों में हम उसको कॉन्क्रीटाइज करेंगे और इसके माध्यम से ये वाटरवे हमारा विदर्भ का जो पूरा एक प्रकार से जो एक्सपोर्ट है उसको डिटरमिन कर पाएगा। और जैसा नितिन जी हमेशा कहते हैं कि वाटरवे से अगर हम लोग यहां पर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो जो कॉस्ट 25 रुपए की है वो 5 रुपए पर आती है, इतना उसका फर्क पड़ता है। तो एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट इसको हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज हम लोग हमारे गोसू खुर्द के नीचे से जो बहकर जाने वाला हमारा करीब 100 TMC पानी है उसके ऊपर हमने एक प्रोजेक्ट अभी तैयार किया है और एक प्रकार से देश का बहुत बड़ा ये नदी जोड़ इस प्रकार का रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं जिसमें वैनगंगा से लेकर नलगंगा तक यानी गोसी खुर्द से नीचे से लेकर तो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट तक हम लोग 550 किलोमीटर का कैनल तैयार कर रहे हैं और जितना बड़ा समृद्धि हाईवे है उतना बड़ा कैनल ये 550 किलोमीटर का तैयार होगा। और इसके कारण पूरे विदर्भ का जो सूखा वाला इलाका है 100% हम वहां पर इरिगेशन करेंगे, इंडस्ट्री के लिए पानी देंगे। तो ये जो एक पूरी हमारी एग्रीकल्चर इकोसिस्टम है ये इकोसिस्टम पूरी हमारी बदल जाएगी और मेरा प्रयास है कि इसी 2024 में इसका काम हम शुरू कर दें। इस प्रकार का उसका पूरा प्लानिंग हम लोगों ने कर दिया है तो इसके कारण भी बहुत बड़ा परिवर्तन आज होने वाला है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार की सारी पॉलिसीज आज महाराष्ट्र सरकार की ओर से हम लोगों ने शुरू की है जिसका उल्लेख यहां बारंबार हुआ, गढ़चिरौली में जिस समय मैं मुख्यमंत्री था हम लोगों ने बहुत डेयरिंग के साथ ये निर्णय किया कि हमको कभी ना कभी यहां पर माइनिंग शुरू करना होगा। और उस समय मैं मुख्यमंत्री भी था, गृहमंत्री भी था, तो हमने बहुत बड़े पैमाने पर पुलिस की मदद दी और माइनिंग शुरू किया और धीरे धीरे वो डेवलप होना शुरू हुआ। उस समय मैंने उनको कहा कि आप हमारा इस्तेमाल ये केवल एक कॉलोनी जैसा मत कीजिए, तो इसके ऊपर जो बेनिफिक्शन है इसके ऊपर जो स्टील है वो भी यहां तैयार होना चाहिए। मैंने उनको कौनसरी में जगह दी, वह भूमि पूजन किया। मुझे बताते हुए बहुत आनंद होता है कि पहला स्टील प्लांट वहां तैयार हो गया, अभी दूसरा 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वहीं पर हो रही है और अभी परसों एक और एमओयू हमने किया 10,000 करोड़ की, एक और इन्वेस्टमेंट वहां पर हो रही है और 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अभी पाइपलाइन में है। आने वाले समय में जो देश का स्टील हब है वो हमारा ईस्टर्न विदर्भ होगा। और मैंने इन सभी लोगों को ये कहा है कि आप ये जो सारी इंडस्ट्रीज है ये सारी इंडस्ट्रीज गढ़चिरौली में, चंद्रपुर में, वर्धा में, नागपुर में, भंडारा में, गोंदिया में,
ये सारे इलाके में लगाइए, तब हम आपको मदद करेंगे। और आज वो होता हुआ दिखता है, हमारे सुधीर भाव का, हमारा गांव है और हमारा सुधीर भाव का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है मूल, मैं तो कहता हूं कि आने वाले समय का आप लिख लीजिए कि जो हमारा नया इंडस्ट्रियल सेंटर होगा वो हमारा मूल होगा और वहां पर इतने बड़े पैमाने पर आज इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो ये जो नितिन जी का और हमारा प्रयास है कि केवल नागपुर सेंट्रिक नहीं, पूरे विदर्भ का विचार हम लोग करते हैं, क्योंकि जब तक पूरा विदर्भ ये विकसित नहीं होगा तब तक हमारा ये जो सपना है एक विकसित इस प्रकार के विदर्भ का, वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमने जो एक क्लस्टर टेक्सटाइल का अमरावती में शुरू किया था वो तो सक्सेसफुल हुआ, अब हमने पीएम मित्रा के तहत एक और क्लस्टर वहां पर दिया है और बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज वहां पर आ रही है। आने वाले समय में फार्म टू फैशन, ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, इस सपने को पूरा करने का काम हमारा अमरावती का क्लस्टर करेगा और बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर हम लोग रोजगार का निर्माण ये निश्चित रूप से कर पाएंगे। आज हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर अपारंपरिक ऊर्जा के ऊपर प्रयास कर रहे हैं। नितिन जी ने अभी कोल गैसिफिकेशन की बात कही, हम लोगों ने एक एमओयू अभी चंद्रपुर जिले में कोल गैसिफिकेशन का वहां पर साइन किया है, अभी उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कोल गैसिफिकेशन के कारण हम लोग निश्चित रूप से बिल्कुल आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनको सस्टेनेबली एक्सप्लोर कर पाएंगे। क्योंकि आज हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने एक बड़ी समस्या ये एक्सप्लॉयटेशन की भी है और एक्सप्लॉयटेशन के कारण उसका जो परिणाम जलवायु प्रदूषण पे होता है, तो आज सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज हमारी जो विकास की यात्रा है, इस विकास की यात्रा में हमारे एकेडेमिया का भी बहुत बड़ी सहभागिता है और विशेष रूप से माननीय नितिन जी ने, और हमने हमेशा यह प्रयास किया कि हम लोग आइकॉनिक इंस्टीट्यूशंस को लाए, क्योंकि आइकॉनिक इंस्टीट्यूशंस जब आती है तो उससे मानव संसाधन तैयार होता है। और आज 21वीं शताब्दी में उद्योग वहां जाता है जहां मानव संसाधन होता है। कैपिटल तो कहीं पर भी अवेलेबल है, अब कैपिटल और रिसोर्सेस ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं रही, सबसे महत्वपूर्ण आज ह्यूमन रिसोर्स है। और जहां ह्यूमन रिसोर्स तैयार होता है वहीं पर उद्योग जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करने का काम अभी हम लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर अपने हाथ में लिया है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम लोगों ने हमारे आईआईएम नागपुर में सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू करने का विचार किया और इस विचार को आगे बढ़ाते हुए अभी अभी जो गूगल के कंट्री हेड है उनके साथ मेरी बातचीत हुई और मैंने उनको एक कॉन्सेप्ट बताया, तो उन्होंने ये तैयारी हमारे सामने रखी कि ये जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें गूगल भी पार्टनर करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक देश का बहुत ही आइकॉनिक इस प्रकार का ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस हम लोग यहां पर तैयार करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये हमारी इंडस्ट्री को ड्राइव करने वाला है, ये हमारे टेक्नोलॉजी को ड्राइव करने वाला है। और विशेष रूप से आज जिस प्रकार की एक इकोसिस्टम स्टार्टअप की हम लोग तैयार कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है, पहले ये जो सारी स्टार्टअप इकोसिस्टम थी ये पूरी की पूरी स्टार्टअप इकोसिस्टम ये मेट्रो सिटीज में एक प्रकार से केंद्रित थी, लेकिन अब ये सारी की सारी स्टार्टअप इकोसिस्टम ये मेट्रोस के बाहर टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में भी बहुत बड़े पैमाने पर तैयार हो रही है। और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हार्नेस कर पाएंगे। विशेष रूप से माननीय नितिन जी ने जिसका उल्लेख किया, एक प्रकार से नागपुर धीरे धीरे आईटी के क्षेत्र में जिस प्रकार की प्रगति कर रहा है और आने वाले क्षेत्रों में आने वाले दिनों में टेक बेस्ड जो हमारे स्टार्टअप्स है उसका भी एक केंद्र हम लोग नागपुर में तैयार कर पाएंगे। हमारे प्रफुल्ल भाई ने जिसकी बात कही, आज एमआरओ के कारण एक नई इकोसिस्टम हम लोगों ने तैयार कर ली। और मैं हमेशा ये मानता हूं कि दुनिया जिस तरफ आगे बढ़ी है हम लोग उसमें से कुछ नया अगर ढूंढे तो हम लोग और तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि एविएशन की इकोसिस्टम एक इस प्रकार की इकोसिस्टम है कि जो हम लोगों को एक नया एडवांटेज दे सकती है। और आज इस बात की खुशी है, नितिन जी ने जो बात कही बिल्कुल मैं ऐसा मानता हूं हमारे लिए बहुत फक्र की बात है कि आज डसो जैसी जो कंपनी पिछले समय हम लोगों ने शुरू की, आज उनका फाल्कन 2000 जो एक बिजनेस जेट है, जो उनका दुनिया का सबसे फेमस बिजनेस जेट है, वो पूरा का पूरा नागपुर में 2025 में तैयार हो जाएगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये नागपुर के लिए एक बहुत ही फक्र की बात है। और आज अलग अलग प्रकार से
विशेष रूप से डिफेंस के एमएसएमई को नागपुर में और हमारे विदर्भ में एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम हम लोग तैयार कर सकते हैं, उस दृष्टि से भी हम लोगों का प्रयास है। मैं आज के इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि लगातार इस बात की मांग होती है कि हम लोग पावर के क्षेत्र में कुछ सब्सिडी दे। पिछले समय हमने सब्सिडी दी थी और उसका काफी फायदा इंडस्ट्री को हुआ, उसके बाद उसके ऊपर कुछ कैप लगी है, अब हम उसको नए सिरे से तैयार कर रहे हैं। मैं आपको इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग अभी एक नया सब्सिडी का एक नया पैटर्न लेकर आएंगे विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए, और अगले 5 साल के लिए वो सब्सिडी आपको लागू होगी, जिसके कारण हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री जो है ये विशेष रूप से जिस इंडस्ट्री को बड़े पैमाने पर रॉ मटेरियल के रूप में पावर लगती है, ऐसी इंडस्ट्री को फायदा हो, या टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हो, कंटिन्यूअस पावर सप्लाई जिसको लगता है ऐसी इंडस्ट्री हो, तो ऐसी सब जगह हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर एक बदलाव जो है वो करना चाहते हैं। मैं आज इस एडवांटेज विदर्भ के माध्यम से गडकरी जी को और हमारी एडवांटेज विदर्भ की पूरी टीम को ये कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार पूरे तरीके से आपके साथ में है, और इस एडवांटेज विदर्भ में जो चीजें आएगी वो सारी चीजों को हम लोग निश्चित रूप से समझेंगे। जहां पर पॉलिसी इंटरवेंशन की आवश्यकता है वहां पर पॉलिसी इंटरवेंशन कैसा हो इसका प्रयास निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। और यहां पर मैंने जो हमारे मिहान है उसकी भी बैठक, उसके भी अधिकारियों को मैं बुला रहा हूं, उसकी बैठक लेकर मिहान में जो इंडस्ट्रीज है उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एमआईडीसी के अधिकारियों को यहां बुलाया हुआ है, एमआईडीसी के साथ मीटिंग होगी, एमआईडीसी के जो प्रॉब्लम्स है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कुल मिलाकर यहां पर हमारा प्रयास ये होगा कि निश्चित रूप से एक प्रकार से एक कनेक्टिंग पॉइंट यहां बने और जो हमारे इंडस्ट्री की अड़चने हैं उन अड़चनों को दूर करने का प्रयास हम लोग किस प्रकार से कर पाए। हम लोग टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं और माननीय गडकरी जी के पास हमेशा नए कॉन्सेप्ट्स होते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स पर हम लोग वर्क करते हैं, तो मुझे लगता है कि टूरिज्म की इंडस्ट्री आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार देगी। और नितिन जी के कॉन्सेप्ट से हमने जो कन्वेंशन सेंटर का निर्माण हम लोग करेंगे, मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले 2 साल के बाद जो हमारा इस प्रकार का एडवांटेज विदर्भ होगा वो हमारे नागपुर के कन्वेंशन सेंटर में होगा, इस प्रकार का प्रयास हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। इतना ही नहीं तो अभी हम लोगों ने जो हमारा मानकापुर का स्टेडियम है उसको डेवलप करने के लिए करीब 700 करोड़ रुपए का एक डीपीआर तैयार किया है, और वहां पर हम लोग वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटी तैयार कर रहे हैं और विदर्भ की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वहां आनी चाहिए, इस प्रकार का प्रयास हम लोग कर रहे हैं ताकि सारे क्षेत्रों में हम लोग एक प्रकार से अगुवाई कर सके, आगे बढ़ सके, अपॉर्चुनिटीज तैयार कर सके, इस प्रकार का हमारा प्रयास है। और मेरा विश्वास है कि नितिन जी जैसे नेता हमको विदर्भ को मिले ये हमारा सौभाग्य है, जिनके पास विजन है, जिनके पास उस विजन को ट्रांसफॉर्म करने का एक एक्शन प्लान है, जिनके पास एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको दुनिया मानती है, तो मेरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हम लोग सब लोग मिलकर अगर अगले कुछ साल प्रयास करेंगे तो बदला हुआ विदर्भ हम लोग देख पाएंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है और मेरा विश्वास है कि ये परिवर्तन आगे हमको देखने को मिलेगा। मैं टीम एडवांटेज विदर्भ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फिर एक बार आश्वस्त करता हूं कि जिस भी प्रकार की महाराष्ट्र सरकार की मदद की आवश्यकता है हम आपके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।